हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी गौर। लास्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, मतलब दो आव्यूहों का गुणनफल हम सीख रहे थे। जो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही थी वो ये वाला था। ए ये दे रखा है आपको, बी ये मैट्रिक्स दे रखी है। ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ए का क्रम दे रखा है आपको 3x1 और बी का जो ऑर्डर है वो है 1x3। तो देखिए, जब भी मल्टीप्लाई करना है, अगर आप ये वाला स्टेप पहले से लिख लें तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, हम कोई भी दो मैट्रिक्स को गुणा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसका मतलब, अगर इसमें जितने कॉलम हैं उतने इसमें रो होंगी तो ये बराबर होंगी तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रोज तो आपस में इक्वल है, हम मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, अगर मैंने ए बी को गुणा किया तो परिणाम में मुझे जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगी वो ए बी मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, 3x3 ये होगा। तो इसका मतलब, जब मैं ए और बी को गुणा करूँगी तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्रम होगा 3x3। तो 3x3 क्रम होगा, इसका मतलब तीन ही पंक्तियाँ होंगी और तीन ही स्तंभ होंगे। इसका मतलब यह है कि 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट रो जो है आपकी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपकी मैट्रिक्स है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कैसे हेल्पफुल रहेगा अब हम देखते हैं। हमें क्या करना है, ए को गुणा करना है किससे, बी से। तो ये ए बी का मतलब ये हो गया ए इंटू बी। ए बी जो आपको अब मिलने वाला है वो इस तरह से मिलेगा। देखिए, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से जब हमने गुणा किया तो हमें मिल रहा है 1x1। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इट मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब क्या है, 1x2। A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इट मींस 1x4। A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मींस 2x2। फिर A23 मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2x4। इसी तरह से A31 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3x1, 3x2, इस तरह से 3x4। तो ए बी जो आपको मिल रहा है वो मिल रही है 1, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 12। ए बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है आपके पास में, 3x3। ये तो था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स जब आएंगे हम और भी करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आपका यही होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए हमने अभी पढ़ा है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह पर संक्रियाएं पढ़ी हैं। और वो संक्रियाएं क्या क्या थी, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हिंदी में इसे कहते हैं आव्यूह योग गुणधर्म। कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो किन किन गुणधर्मों का पालन करती है। फर्स्ट है आपका, ये सारी प्रॉपर्टीज आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो और आपने पिछले साल ये सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब हम ये पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, आव्यूह के लिए हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, मतलब यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तब,
मैट्रिक्स एडिशन क्या कहता है? योग का गुणधर्म क्या कहता है? कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के। इसका मतलब आप ए में बी को जोड़े चाहे बी में ए को जोड़े, बात एक ही है, आपको रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा। कम्यूटेटिविटी को हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेयता। इसका मतलब इनका क्रम अगर हम बदल दें, ए प्लस बी या बी प्लस ए इस तरह से लिखें, तो दोनों ही क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इसको हिंदी में हम कहते हैं साहचर्यता। यदि इंग्लिश वाले प्लीज आप इंग्लिश में खुद से लिख लें, ए बी तथा सी तीन आव्यूह हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन मैट्रिक्स हैं, हमने मान लो पहले बी और सी को जोड़ लिया क्योंकि हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, बी में सी को जोड़ के फिर ए जोड़े, चाहे हम ए में बी को जोड़ के फिर सी जोड़े, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, इक्वल ही आएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसको ही हम हिंदी में कहते हैं योज्य तत्समक, ये भी हमने पढ़ा था पिछले साल में। एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान ना बदले। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, हम इसमें क्या जोड़ें कि हमें फिर से रिजल्ट में मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है क्या? हम ए में अगर जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो हमें ए ही फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, अ नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? एक शून्य आव्यूह आव्यूह ए का योज्य तत्समक कहलाता है, जहां ए का क्रम बराबर जीरो का क्रम। इसका मतलब ये दोनों आपके सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। फोर्थ जो टॉपिक है आपका वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इन्वर्स को हम हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम। नाम से ही पता पड़ रहा है, इन्वर्स प्रतिलोम, उसका मतलब क्या हो गया? ऐसी संख्या जोड़ना किसी संख्या में कि हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। किसी भी संख्या में अगर हम ऐसी संख्या जोड़े कि हमें जीरो मिल जाए तो वो उसका प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि अगर टू है तो टू में हम माइनस टू जोड़ेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा, तो टू का योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस टू। इसी तरह से अब हम मैट्रिक्स के लिए योज्य प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, या फिर हम ये कहें कि माइनस ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, आव्यूह माइनस ए आव्यू ए का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे इसे? मैट्रिक्स माइनस ए
इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी कैंसिलेशन लॉ, इसे हिंदी में हम कहते हैं निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है? यदि ए बी सी तीन आव्यूह हैं तब, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन, यदि ए बी सी तीन समान क्रम के आव्यूह हैं, समान क्रम के, आपको ये लिखना है तीन समान क्रम के आव्यूह हैं तब, इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन, तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, अगर ए प्लस बी और ए प्लस सी आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बी भी सी के बराबर होगा, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी। इसी तरह से अगर बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? बी बराबर सी। तो ये आपका कहलाता है वाम निरसन नियम और ये कहलाता है दक्षिण निरसन नियम। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ, ये भी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है अब प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इसे हिंदी में हम कहेंगे अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म यदि ए तथा बी दो समान क्रम के आव्यूह हैं तथा के व एल दो अदिश राशियां हैं तब, इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड के एंड एल आर टू स्केलर्स देन, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के? स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, किसी भी आव्यूह के हर एक एलिमेंट को अगर हम किसी अशून्य अदिश संख्या से गुणा करें तो वो क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल। किसी भी मैट्रिक्स को अदिश गुणन, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अब हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, के एंड एल दो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है, तो किस किस प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं? के प्लस एल इंटू ए बराबर के ए प्लस एल ए। अगर ये दो कांस्टेंट है, इसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी के इंटू ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी। अब यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर दो मैट्रिक्स योग के फॉर्म में है। थर्ड जो है आपका वो है के एल ए, तो हम इसे एल इंटू के इंटू ए भी लिख सकते हैं या एल इंटू के इंटू इस तरह से ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि एल और के कांस्टेंट है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। फिर इसके बाद में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, वन इंटू ए बराबर किसके होता है?
वन ए के। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप इकाई से गुणा करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। फिफ्थ है आपका माइनस वन इंटू ए बराबर माइनस ए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को माइनस ए से गुणा करते हो तो आपको उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद में अब हमें निकालना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आव्यूह गुणन के गुणधर्म, आव्यूह गुणन के गुणधर्म ये क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता। सामान्यतः आव्यूह गुणन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रम विनिमेयता इसकी आपको याद होना चाहिए। सामान्यतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करते। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये इसके बराबर हो भी सकता है। हमने क्या कहा है? जनरली, सामान्यतः ये क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि कोई भी मैट्रिक्स है दो, अगर हम उन्हें गुणा कर रहे हैं तो वो क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। अगर कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है तो वो ही क्रम विनिमेयता का पालन करेगी, मतलब कम्यूटेटिव होगी, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। देखिए, ए बी बराबर बी ए, जनरली मैं आपको कह रही हूँ 2 × 3 बराबर 3 × 2, हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों संभव नहीं है उसे हम देखते हैं। पहला केस देखेंगे हम। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए मैंने ले ली है, ए बराबर ए आई जे, और इसका क्रम लिया है मैंने m क्रॉस m, और b बराबर मैंने लिया है b i j m क्रॉस m। यहाँ पर हम a को b से गुणा कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम b को भी a से गुणा कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे हम b a लिखें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों ही क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी कैन फाइंड ए बी एंड बी ए, बट दे आर इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए, इसका मतलब ये हो गया, हिंदी में अब हम लिखते हैं, अगर आपको एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम दे रखी है, बी दूसरी मैट्रिक्स ए बी आई जे एम गुणा एम दे रखी है, मतलब समान क्रम की दे रखी है, तो क्या होगा? हम यहाँ पर ए गुणा बी, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर बी ए भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कम्यूटेटिव होंगे।
कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है, ए बी बराबर बी ए अगर होगा तो ही कम्यूटेटिव कहलाएगा। अब तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, यदि ए बराबर ये और बी बराबर ये है तब हम ए बी तथा बी ए ज्ञात कर सकते हैं। किंतु उनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। हम ये निकाल तो लेंगे, ए बी इंटू ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन क्या होगा, ए बी बराबर बी ए हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखो इसका एग्जांपल लेके बताऊंगी तो और आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी है आपको 1 0, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, और दूसरी मैट्रिक्स दी है आपको बी बराबर 0 1 0 0। ए मैट्रिक्स ये है, बी दूसरी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, इन दोनों का ही क्रम कैसा है, 2x2। इसका मतलब फर्स्ट केस हमने क्या बनाया है यहाँ पे, केस वन क्या था, फर्स्ट केस वो था जब क्या हो, दोनों के ऑर्डर्स आपस में सेम हो। दोनों के अगर ऑर्डर आपस में सेम है तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का ऑर्डर आपस में सेम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी को हम इसी तरह से लिखेंगे। अब आप देखिए ए इंटू बी करने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको हम इससे करेंगे गुणा, 1 × 0 0 + 0 × 0 ये हो जाएगा 0, 1 × 1 ये बनेगा 1 × 0 0 × दिस ये बनेगा 1 × 0 दिस इज 0 1 × 1। अब आपके पास में ए इंटू बी ये आ रहा है, देखिए ए बी का अस्तित्व है, ए को हम बी से गुणा कर सकते हैं, क्या हम बी को भी ए से गुणा कर सकते हैं, देखते हैं 0 1 0 0 और ए क्या है 1 1 0 0। तो यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, हाँ इसका मतलब बी ए का भी अस्तित्व है, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम बी को एक ए से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 × 1 ये बनेगा 0, ये 0 और ये भी 0, तो b इंटू ए आपका ये आ गया। जब आपका b इंटू ए, इसका मतलब ए बी का अस्तित्व है, बी ए का अस्तित्व है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ए बी और बी ए आपस में बराबर है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर दीज मैट्रिसेस। हिंदी वाले बच्चे लिखें, अतः दी गई मैट्रिक्स के लिए, अतः दिए गए आव्यूहों के लिए आव्यूह गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं है। देखिए ये इन दो मैट्रिक्स के लिए क्रम विनिमेय नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है जिनके लिए क्रम विनिमेय हो, वो डिपेंड करेगा हमारी मैट्रिक्स पर। पहला केस हमने लिया जबकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो, ऑर्डर सेम हो। सेकंड केस हम क्या लेंगे, सेकंड केस हम लेंगे यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस पी। यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स इस तरह से ली है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो कैसी है, बराबर है। इस केस में क्या होगा, ए बी जब हम निकालेंगे तो ए बी क्या आएगा आपका, ए बी के लिए हम लिखेंगे एम क्रॉस एन और बी क्या है आपका बी आई जे एम एन क्रॉस पी। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व है। इसी तरह से हम अगर बी ए निकालें तो हम देखेंगे ये बी ए क्या है,
अब आप देखिए, क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब बी ए जो है डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बी ए का अस्तित्व नहीं है। देखिए, पहला केस ऐसा बन रहा था हमारा जिसमें हम ए बी भी निकाल पा रहे, बी ए भी निकाल पा रहे, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन ये आपस में बराबर ही नहीं आए, इसीलिए कम्यूटेटिव नहीं हुए। अब दूसरा केस क्या बना, ए बी का तो अस्तित्व है, हम ए बी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बी ए निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये एग्जिस्ट, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं है। तो ये दूसरा केस बन गया। इसका मतलब अतः क्रम विनिमेयता संभव नहीं है, क्योंकि जब ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है, तो बराबर कैसे होगी? अतः क्रम विनिमेयता संभव नहीं है। इंग्लिश वाले इस लाइन को लिखेंगे, दस कम्यूटेटिव इज नॉट पॉसिबल, दस कम्यूटेटिविटी इज नॉट पॉसिबल। थर्ड जो केस बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा, देखिए, इफ ए आपको दे रखा है ए आई जी जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है बी आई जे एन क्रॉस एम, तब हम क्या करेंगे, तब ए बी तथा बी ए दोनों निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एग्जिस्ट करते हैं परंतु उनका क्रम समान ना होने के कारण, परंतु उनका क्रम समान नहीं है, अतः वे बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमेय भी नहीं है। यदि ए ऐसा है और बी ये दे रखा है आपको, ए दे रखा है एम क्रॉस एन, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है एन क्रॉस एम की, तब ए बी एंड बी ए दोनों हम फाइंड तो कर सकते हैं बट उनका ऑर्डर सेम नहीं आएगा। ऐसे में हम क्या कहेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पर क्या होगा, ए बी नहीं आएगा बराबर बी ए के। ऐसा क्यों, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल जो ले हम, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है जिसका की ऑर्डर है 2x3, ठीक है, और मैंने दूसरी मैट्रिक्स बी ली है 3x2। अब मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है। जब मैंने ए बी निकाला तो ए बी मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी ए आई जे और बी आई जे की, कि जिसमें देखो ए आई जे और बी ए, ए और बी को मैं मल्टीप्लाई तो कर सकती हूँ क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज आपस में कैसी है, बराबर है। चलिए इस तरह लिखते हैं इसे, ए आई जे 2x3, बी आई जे 3x2, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी का जो क्रम आएगा वो आपका क्या रहा है, ए बी जो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी ए निकाल रही हूँ। जब मैंने बी ए निकाला तो बी ए मुझे मिल रहा है बी आई जे 3x2, ए आई जे 2x3, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। अब मैंने जब बी ए निकाला तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब हम गुणा तो कर सकते हैं, और जो रिजल्ट में बी ए मैट्रिक्स हमें मिलेगी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3। अब हमने यहाँ जो ए बी निकाला था इसका क्रम हमें ऑर्डर क्या मिल रहा था, 2x2। इसका मतलब ए बी जो है एक ऐसे क्रम की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, बी ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। इसका मतलब ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, दो आवयवों की समानता, कोई भी दो आवयव आपस में बराबर कब होंगे, उनके संगत अवयव बराबर हो तथा उनका क्रम बराबर हो,
इनका क्रम बराबर ही नहीं है तो संगत अवयव भी कैसे बराबर होंगे। इसका मतलब ये ए बी और बी ए का अस्तित्व तो है लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्रम विनिमेय भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव होने के लिए ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। ये क्या है, कम्यूटेटिविटी तभी होगी। अब देखिए तीनों केसों में हमने देखा कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि है ना कोई भी दो मैट्रिक्स जब हमने मल्टीप्लाई करी तो वो कभी भी क्रम विनिमेय नहीं होगी। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ए बी बराबर बी ए हो सकता है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए अगर होगा तो वो क्वेश्चन अलग से आपको दिया जाएगा उसमें ऐसा। देखिए जनरली सामान्यतः ये क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये क्रम विनिमेय हो भी सकता है। पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने पढ़ ली। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को हम क्या कहते हैं, साहचर्यता। इंग्लिश वाले लिखें इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, यदि ए बी तथा सी तीन आव्यूह हैं तब ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। अगर आप पहले ए बी को गुणा करके फिर सी से गुणा करें या फिर आप पहले बी सी को गुणा करके फिर उसे ए से गुणा करें तो हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे कम्यूटेटिव को मिक्स मत करना क्योंकि यहाँ पे इनका क्रम वही है ए बी सी ए बी सी। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो कैसी है, आइडेंटिटी। इसका मतलब तत्समकता। हमने क्या किया था अभी, योज्य तत्समक देखा था। योज्य तत्समक मतलब क्या जोड़े कि वही मिले। अब गुणा की बात हो रही है तो हम क्या गुणा करेंगे हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो क्या हो सकती है, यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। हिंदी में इसे लिखेंगे इकाई आव्यूह गुणन के लिए तत्समक कहलाता है।